साउथ सुपरस्टार महेश बाबू के पिता का निधन। हार्ट अटैक आने के बाद अस्पताल में कराया गया था भर्ती। हाल ही में हुआ था महेश बाबू की मां का निधन। साउथ के पॉपुलर एक्टर महेश बाबू पर दुखों का पहाड़ टूट गया है। हार्ट अटैक की वजह से उनके पिता कृष्णा घट्टामनेनी का निधन हो गया है। उनके पिता को सोमवार तड़के कार्डियक अरेस्ट के चलते हैदराबाद के कॉन्टिनेंटल अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जिसके बाद मंगलवार सुबह उन्होंने आखिरी सांस ली। आपको बता दें कि महेश बाबू के पिता तेलुगु सिनेमा के सबसे बड़े अभिनेताओं में से एक थे। उन्होंने कई फिल्मों को डायरेक्ट और प्रोड्यूस भी किया है। उन्होंने अपने पूरे करियर में तकरीबन 350 फिल्मों में काम किया है। फिल्मों में अपने करियर की शुरुआत उन्होंने 1961 में कुला गोथरालू से की थी। इसके बाद कुछ फिल्मों में साइड रोल करने के बाद 1965 में उन्होंने थेन मानसुलू की। आगे चलकर उन्होंने एक्टर के साथ डायरेक्टर और फिल्म मेकर के रूप में भी अपनी पहचान बनाई। उन्होंने मोसा गलगू, मोसा गडू, अलूरी सीता, रामाराजू और गुड्डाचारी 116 जैसी कई सारी धमाकेदार फिल्में बनाई। महेश बाबू के पिता के निधन पर तेलंगाना के सीएम चंद्रशेखर राव ने भी शोक जताया है। उनके निधन के चलते गमगीन फैंस सोशल मीडिया पर अपना दुख जता रहे हैं और इसी बीच #RIP लेजेंड ट्रेंड कर रहा है। आपको याद दिला दें कि इसी साल 28 सितंबर को महेश बाबू की मां इंदिरा देवी का भी निधन हो गया था। वे लंबे समय से बीमार चल रही थी, जिसके बाद उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया था।